بزدني علما ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين بزرگو دوستو عزیز ساتھیو और पर्दानशीन माओ बहनों, आज के इस खुतबे जुमा का आगाज मैं अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ से करता हूँ कि हर तरह की तारीफ बड़ाई और किबरियाई खालिसतन अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक और ज़िबा है, जिसके कब्ज़े कुदरत में इस कायनातों का जर्रा जर्रा है। गर्ज़ उसी के हुक्म से बदलते हैं ये मौसम, उसी के हुक्म से बरसते हैं ये बादल। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम। इस मुख्तसर से अल्लाह की तारीफ के बाद बेशुमार दरुद व सलाम हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। और इसके बाद रहमतें और बरकतें नाजिल हों उमूमी तौर पर तमाम मोमिनों और मुसलमानों पर, खुसूसी तौर पर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और पर्दानशीन माओ बहनों, वक्त और हालात के मुनासिबत से हमने आज का उन्वान का इंतखाब किया है, इस्लाम रहमत और शफक्त का रास्ता है। ये उन्वान चुनने की वजह यह है कि अगर आप हिंदुस्तान के फिल वक्त के हालात उठाकर देख लें और माजी के और दूसरे मुल्कों के हालात उठाकर देख लें, चाहे मामला इराक का हो, चाहे लीबिया का हो, चाहे सीरिया का हो,
चाहे फलस्तीन का हो या अब चाहे हिंदुस्तान का हो, ये सारे मामलात के अंदर आपको एक चीज की मुमासिलत मिलेगी, एक चीज आपको सेम मिलेगी, एक चीज ऐसी है जो दोनों में सेम सेम है सारे जगहों पर, वो ये कि इस्लाम और मुसलमानों से लोगों को डराया जाता है। ये बताया जाता है कि ये इस्लाम जुल्म और बर्बरियत का मजहब है, ये जो मुसलमान कौम है ये जिहादी कौम है, ये ऐसी खतरनाक कौम है कि लोगों पर जुल्म करती है, ये वो कौम है, ये वो मजहब है जो लोगों पर जबरन जुल्म करना सिखाता है। सारे मुल्कों के अंदर, आए मैं हिंदुस्तान की बात करने लगा हूं, यही हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस की तंजीम पिछले 70 साल से, तकरीबन 100 साल से ये बावर कराने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तानी हिंदुओं को, हिंदुस्तानी क्रिश्चियंस को, हिंदुस्तानी सिख भाइयों को, हिंदुस्तान के गैर मुसलमान लोगों को, यह बतलाने की कोशिश कर रही है कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान जिस दिन तादाद में ज्यादा हो जाएंगे ये तुम पर जुल्म करेंगे, ये वो मजहब को मानने वाले हैं जो मजहब जुल्म करना सिखाता है। ये सारे तस्वीर अपने जहन में रखो। आज देखिए यही मसला है, और ये डर का खेल, ये जो डर का खेल है, कल तक गैर मुसलमानों के साथ खेला गया, कल तक हिंदू भाइयों के साथ खेला गया, कल तक क्रिश्चियनों के साथ खेला गया, कल तक सिखों के साथ खेला गया, और आज अब ये 2020 का जो साल है, ये साल से मुसलमानों के साथ ये डर का खेल शुरू हो चुका है। चाहे उसका नाम एनआरसी रख लो, चाहे उसका नाम CAA रख लो, चाहे उसका नाम NPR रख लो, चाहे उसका नाम ट्रिपल तलाक बिल का मसला रख लो, चाहे मसला राम मंदिर का हो, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे कॉमन सिविल कोड बनाने वाला है उसका मसला हो, ये सारी चीजें मिलाकर के डर का खेल जो खेला गया है, मुसलमानों को जो बदनाम किया गया है, इस्लाम को जो बदनाम किया गया है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कसूरवार मुसलमान है मेरे भाई। सबसे ज्यादा कसूरवार अगर कोई है तो वह मुसलमान है मेरे भाई। लोगों की दुहाई देना छोड़ो, लोगों के जो ना रोना छोड़ो, लोगों के नाम पर रोना छोड़ो। आज क्या मसला है, हर कोई रोता है फलाने तंजीम पर, हर कोई रोता है फलाने ऑर्गेनाइजेशन पर। भाई हमने क्या किया है, क्या हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, क्या हमने वो नमूना पेश किया है जो सहाबा ने पेश किया था, क्या हमने वो नमूना पेश किया है जो कुरान ने हमें बताया था, क्या हमने वो आइडियल बनकर दिखाया है जो अल्लाह के नबी की हदीसों ने हमें बताया है। पूरी चीजें अपने जहन में रखो। ये तमीदी कलिमात क्यों हमने उन्वान चुना कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये बोलकर डराया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान तादाद में ज्यादा हो जाएंगे तो ये हम पर जुल्म करेंगे। आओ आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मुख्तसर तौर पर मैं भी सीखने की कोशिश करता हूं, आप भी सीखने की कोशिश करना, और इस वक्त लाइव हमारी इस कारवान की बस्ती में हमारे हिंदू भाई ये मेरा बयान सुन रहे होंगे, वो भी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ये ऑनलाइन जाएगा, वहां पर भी मेरे हिंदू भाइयों से खास तौर पे गुजारिश है, ये मेरी बातों को सुनो। कैसे ये मजहब जालिम हो सकता है, कैसे ये मजहब जुल्म करने वाला हो सकता है, कैसे दीने इस्लाम लोगों पर जुल्म करना सिखाता है जिसकी तालीमात के एक एक लाइन में, एक एक लफ्ज में रहमत और शफकत टपकता है अल्लाह अकबर, एक एक लफ्ज में। आओ आज सीखने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं आज रवैयों की बात होती है, तुम्हारा उनका रवैया उनके साथ कैसा, रिश्तेदारी की बुनियाद पे रवैया, बाप बेटे का रवैया, बेटी बाप का रवैया, दोस्त दोस्त का रवैया, रिश्तेदारी का रवैया। आज अल्लाह तबारक व ताला की कसम खा के कहता हूं, वो चीजें मैंने जमा करके लाई है जिसमें कोई रिश्तेदारी का नामो निशान नहीं, ना बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है, ना तो दोस्ती है, लेकिन इस्लाम की वो रहमत, इस्लाम की वो शफकत जो एक एक जमले में टपकती है, वो चीजें जमा करके लाया हूं। और ये चीजें आम करने की जरूरत है मेरे भाई, ये चीजें आम करने की जरूरत है। आओ मेरे बात की शुरुआत करता हूं यतीमी से। यतीम, अल्लाह अकबर, क्या समझते हो, क्या यतीम रिश्तेदार होगा तो उसके साथ अच्छा सलूक करना होगा, क्या यतीम हमारा खास होगा तो उसके साथ अच्छा सलूक, नहीं मेरे भाई। इस्लाम की ये रहमत, इस्लाम की ये शफकत के इस्लाम ने तालीम दी, यतीम चाहे जो हो उसकी तालीम
तालीमात ये, रावी कौन? हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु। इब्ने माजा की सही हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान के तमाम घरों के अंदर, मुसलमान के तमाम घरों के अंदर सबसे बेहतर घराना वो, मुसलमान के तमाम घरों में सबसे बेहतरीन घर वो जिस घर में यतीम की किफालत की जाती हो, यतीम को संभाला जाता हो, यतीम की जिम्मेदारी ली जाती हो और उसके साथ अच्छा सलूक होता हो। यतीम, कोई यतीम हो, कोई यतीम ऑर्फन, कोई यतीम, उसके साथ जो अच्छा सलूक करेगा वो मुसलमान का घर सबसे अच्छा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा, मुसलमान के घरों में सबसे बदतरीन घर वो है जिस घर में यतीम तो हो लेकिन उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। अल्लाह अकबर, क्या ये इस्लाम? ये इस्लाम जुल्म बर्बरियत का हमें इल्म तालीम देता है? ये शफीक इस्लाम, ये रहीम इस्लाम, ये रहमत वाला इस्लाम, ये शफकत वाला इस्लाम क्या हमें किसी पर जुल्म करने की दावत देगा? अल्लाहु अकबर। आओ इसी तरीके से ये रिवायत भी यहां पर सुनाने के काबिल है। हजरत साल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया के अंदर यतीम की परवरिश करेगा, यतीम का ख्याल रखेगा, यतीम की किफालत करेगा, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। साल बिन साद कहते, अल्लाह के नबी ने अपनी शहादत की उंगली और बीच की उंगली मिलाकर बताई कि किफालत करने वाला, यतीम की देखभाल करने वाला, यतीम की जिम्मेदारी लेने वाला, वो नबी ये खुदा के साथ जन्नत में होगा। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम जो यतीम के साथ रिश्तेदारी नहीं, जनाब रिश्तेदारी की बात नहीं करने लगा हूं, यतीम, कोई दुर्र यतीम, किसी माई कलाल जिसका बाप दुनिया से चला गया, कोई माई कलाल जिसकी माई दुनिया से चली गई, वो दुर्र यतीम हो चाहे कोई हो, यतीमी की बुनियाद पर उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अल्लाह सुभानहु व तआला जन्नत में नबी के साथ मकाम अता करेगा। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम जुल्म की तालीम देता है? ये शफीक और रहीम, ये रहमत वाला इस्लाम, ये शफकत वाला इस्लाम? आओ हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रदियल्लाहु तआला, हजरत जाफर जानते हैं ना, अल्लाह के नबी के चचा, हजरत अब्बास के भाई। अल्लाह अकबर, क्या यतीमी और क्या यतीमी का एहतराम, क्या अल्लाह अकबर यतीमों का मुकाम मर्तबा नबी के जमाने में। मुस्नद अहमद की सही रिवायत, हजरत जाफर के बेटे अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं और मेरे साथ खुसम मेरा भाई और कौन मेरे चचा का बेटा उबैदुल्लाह बिन अब्बास, हम खेल रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से सवारी पर से गुजर हुआ, सवारी पर जा रहे अल्लाह के नबी, जैसे ही हमको देखे अल्लाह के नबी रुक गए और कहा इसे मुझे दो। किसको? अब्दुल्लाह बिन जाफर रजी अल्लाह तआला को, जाओ इसे मैं दो। सामने बिठा लिया सवारी के, कहा और इसको भी दो। किसको? खुसम को। पीछे बिठा लिया और सवारी पे चलने लग गए। देखते क्या, अब्बास के बेटे धरे के धरे खड़े रह गए। क्यों? हजरत जाफर की वफात हो गई, दुर्र यतीम है बच्चा, ऊंट पर सात यतीम को बिठाया। कहा अब्बास बुरा मानते हैं, माने, कोई मसला नहीं, अब्बास की फिक्र कर, अब्बास क्या सोचेंगे इसका मुझे कोई ख्याल नहीं, लिहाजा कौन दुर्र यतीम को पहले जगह दी गई, ऊंट पर सामने बिठाया सवारी पर और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अल्लाह जाफर के बच्चों की किफालत करना, अल्लाह जाफर के बच्चों के लिए काफी हो जाना, अल्लाह जाफर के बच्चों की हिफाजत फरमाना, तीन दफा अल्लाह के नबी ने कहा। क्या अहमियत देखिए आप यतीमी की, दुर्र यतीम की, हाँ यतीम बच्चों की अहमियत। और इसी तरीके से एक और बेहतरीन वाकया, सही बुखारी और मुस्लिम, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की शहादत हुई जंगे उहद में। जैसे ही शहादत हुई, जब सब वापस आए मदीने में है, तीन बड़े बड़े सहाबा में बहस, तीन बड़े बड़े सहाबा में तकरार, कौन? अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला, कौन? हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला, कौन? जैद बिन साबित, बड़े जलील कद्र साहबी, तीनों साहबी में बहस हो रही है। बहस क्या? हमजा तो शहीद हो गए हैं, उनकी बच्ची की परवरिश मैं करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, मुझे मौका दो,
बच्ची की परवरिश का, मैं उसकी किफालत करना चाहता हूं, मैं उसके तीन बच्ची को लेना चाहता हूं, तीनों में झगड़ा चल रहा है। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम, ये इस्लाम के मानने वाले जो यतीमों की परवरिश पर झगड़ा करते हो, लोगों पर जुल्म करना सिखाएंगे? अल्लाह अकबर मेरे भाई। नहीं नहीं, ये तालीम लोगों में आम करने की जरूरत है, ये बातें लोगों में बताने की जरूरत है कि जो इस्लाम इतना उभारता है यतीमों की किफालत पर, चाहे यतीम जो हो, वो कैसे लोगों पर जुल्म का सिखाता, जुल्म करना सिखाएगा। मेरे हिंदू भाइयों, तुम भी जरा सुनो, ये वो इस्लाम है जो यतीमों की किफालत करना सिखाता है, जो गरीबों को पालना सिखाता है, जो गरीबों के गम में शरीक होना सिखाता है। मेरे भाई, ये इस्लाम, ये मुसलमान कभी किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, कभी किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। इसीलिए अबू बकर बिन हफ्स कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब दस्तखान लगाते, बगैर किसी यतीम को शरीक किए खाना नहीं खाते। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी यतीम को शरीक किए बगैर तनाउल नहीं फरमाते। मौत्ता इमाम मालिक ने ये रिवायत नकल की है, अम्मा आयशा सिद्दीका अपने कबीले, अपने खानदान, अंसारी खानदान, आस पड़ोस के अंदर जो यतीम बच्चियां होती, अम्मा आयशा अपने घर लाती अपने, उन्हें उनसे अच्छी बातें करती, उन्हें अच्छा खाना खिलाती, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती, अगर उनके हिस्से का कोई माल होता तो हुक्म देती, ये यतीम बच्चों के माल को बड़ी तिजारत में लगाओ ताकि यतीम बच्चों का फायदा हो। अल्लाह अकबर। इतनी फिक्र करने वाला इस्लाम, वो इस्लाम जो यतीमों की किफालत करने वाले को जन्नत में नबी के साथ रखना चाहता है, क्या वो किसी पर जुल्म करेगा? आओ, बातें बहुत है मेरे भाई, बातें बहुत है। आओ दूसरे नुक्ते पर आता हूं। क्या? विडोज, बेवाएं, जिनके शौहर का इंतकाल हो जाता है, चाहे कोई हो दुनिया की बेवा, चाहे कोई विडो हो, वो बेवा होने की वजह से, वो विडो होने की वजह से जो इस्लाम ने हमें तालीमात दी, अल्लाह अकबर। मेरे भाई, हजरत अबू हुरैरा की हदीस जो सही बुखारी की है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेवाओं की मदद में लगा रहता है, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए जिद्दोजहद करता है, दौड़ो धूप करता है, बड़ी मुश्किल उठाता है उनकी किफालत के लिए, उनकी सहूलियात के लिए, उनकी जरूरियात जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू हुरैरा की रिवायत सही बुखारी की, वो शख्स जो बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए दौड़ धूप करता है, भागम दौड़ी करता है, जिद्दोजहद करता है, उनके मसाइल हल करवाता है, उनके खाने पीने का इंतजाम करवाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये शख्स जो यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए दौड़ धूप करता है, इस शख्स के मानिंद है, इस शख्स के बराबर है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, या इस शख्स के बराबर है जो रातों को इबादत करता है, दिन को रोजा रखता है। अल्लाह अकबर। क्या उभारा इस्लाम ने? देखो, क्या वो इस्लाम, क्या ये इस्लाम हमें जुल्म और बर्बरियत का सबक देगा? हाँ, जो इस्लाम बेवाओं की इतनी मदद करना सिखाता है। आओ तीसरे नुक्ते पर आता हूं। ये सारे के सारे बगैर रिश्ते के नुक्ते रख रहा हूं। बेवा कोई, यतीम कोई, रिश्ता हो ना हो, उनके साथ अच्छाई का सलूक। आओ तीसरा नुक्ता आज के निश्चित का, नौकरों और गुलामों के साथ। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम ने जो रहमत और शफकत का मुजाहरा किया है, शायद ही कोई और मजहब है जो इसकी मिसाल पेश कर सकता है, शायद ही दुनिया का कोई कानून है जो इसकी मिसाल दे सकता है। आओ वो हदीस सुनाने की कोशिश करूंगा, हजरत अली की वो रिवायत, बड़ी मशहूर रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में मुब्तला है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं, बिस्तर पर है अल्लाह के नबी, वसीयतों पे वसीयतें कर रहे हैं अल्लाह के नबी, एक एक वसीयत, एक वसीयत ये भी, लोगो अल्लाह से डरो, लोगो अल्लाह से डरो, अपने गुलामों के ताल्लुक से, लोगो अपने नौकरों के ताल्लुक से अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। आओ इसी तरीके से एक और हदीस जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, सही मुस्लिम की ये रिवायत, वो लोग जो मालिकान हैं, वो लोग जिनके यहां गुलाम और नौकर काम करते हैं, वो लोग जिनको अल्लाह ने सेठ बनाया है, वो लोग जिनको अल्लाह ने किसी का मालिक बनाया है, वो लोग जिनके अंडर में कोई काम करते हैं, वो लोग ये हदीस को सुनो, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई अपने गुलाम को तमाचा मारे,
थप्पड़ मारे तमाचा मारे या उसकी पिटाई करे, तो इसका कफारा ये है कि वो इसे आजाद कर दे। अल्लाह अकबर, आजाद कर दे। अल्लाह अकबर। जुल्म नहीं सिखाता इस्लाम। रिश्तेदारी हो ना हो, तुम्हारा गुलाम तुम्हारा नौकर इतना ही काफी है कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। आओ इसी तरीके से हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह तआला सही मुस्लिम के बड़ा मशहूर वाकया है, कहते हैं कि एक दफा मैं अपने गुलाम को मार रहा था, पीट रहा था, पीछे से आवाज आई, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, तुम जितना इख्तियार इस गुलाम पे रखते हो, अल्लाह इससे कई गुना ज्यादा इख्तियार तुम पर रखता है। अल्लाह अकबर। तुम जितनी कुदरत तुम्हारे गुलाम पे रखकर मार रहे हो, अल्लाह तुम पर इससे ज्यादा कुदरत रखता है। मैं पीछे पलटा, देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं पलट कर, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के लिए ये गुलाम को आजाद करता हूं। या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के लिए ये गुलाम को आजाद करता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा हुआ अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, तुमने इसे आजाद कर दिया, अगर तुम न करते तो जहन्नम की आग तुम्हें जलाकर रख देती। अल्लाह अकबर। क्या गुलामों के साथ, क्या नौकरों के साथ रवैया, क्या ये इस्लाम किसी पर जुल्म करना सिखाएगा? जो मामूली नौकरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, उन्हें ना मारने की तालीम देता है, और उनके साथ अखलाक से पहचाने का हमें सलूक बताता है। इसी तरीके से एक और रिवायत, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आंख के रोंगटे खड़े हो जाएं। हाँ, ये वो बातें हैं मेरे भाई जो असल इस्लाम की बुनियादें हैं। इन बुनियाद और अखलाकियात पर इस्लाम है, इस्लामी माशरा ऐसे तश्कील दिया जाता है, इस्लामी माशरा बनता है, तो ये वाकयात रोनुमा होते हैं। वो हमारे हिंदू भाई ये बातें सुने और समझने की कोशिश करे जो आरएसएस और इस्लाम के दुश्मन अनासिर, जो वीएचपी और बजरंग दल वाले इस्लाम की तस्वीर आप लोगों के सामने पेश करते हैं, वो असल तस्वीर नहीं। आओ हमसे पूछो, आओ मस्जिदों में आओ, आओ कुरान पढ़ो और नबी की तालीमात पढ़ो, आओ ये वाकयात हम तुम्हें सुनाएंगे कि असल इस्लाम क्या है। मेरे भाई, किसी पर जुल्म करने का नाम इस्लाम नहीं, किसी पर जुल्म करने वाले का नाम मुसलमान नहीं। इस्लाम तो रहमत का मजहब है, इस्लाम तो शफकत का मजहब है। आओ हजरत अबू ज़र गफ़ार रजी अल्लाह तआला का यह वाकया बड़ा नोट करने के काबिल है। अबू दाऊद के अंदर यह वाकया नकल हुआ है। कहते हैं, एक दफा मैं और तमाम साहबा बैठकर बात गुफ्तगू कर रहे थे महफिल में। कौन? बिलाल इब्ने रिबाह, जो पहले गुलाम थे, आजाद करदा गुलाम, काले कलोटे थे, वो भी बैठे थे। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, मैंने एक बात की, लोगों ने तायीद की, बिलाल ने इनकार किया। बिलाल ने कहा कि मैं तर्दीद करता हूं तुम्हारी बात की। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा, एक काली लौंडी के बेटे बिलाल, एक काली लौंडी काली औरत के बेटे गुलाम, ए बिलाल, क्या तू मेरी बात की तर्दीद करता है? बिलाल रजी अल्लाह तआला को बुरा लगा, फौरन अल्लाह के नबी के पास गए, कहा, अबू ज़र तो ऐसा कहते हैं मुझे। अबू ज़र रजी अल्लाह तआला को अल्लाह के नबी ने बुलाया और बड़ी डांट डपट की, कहा, अबू ज़र, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा मुसलमान भाई है, तुम वो गुलाम हुआ तो क्या हुआ, वो आजाद गुलाम है तो क्या हुआ, उसकी भी अपनी इज्जत है, उसका भी अपना मकाम और रुतबा है, ना करो ऐसा, इनकी इज्जत और इफ्तिखार करो, तुम इनके साथ अच्छा बर्ताव करो। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, मदीने की मस्जिद की तरफ मैं भागा भागा आया और अपने सर को मट्टी के धूल में रखकर कहने लगा, बिलाल आओ, बिलाल अपने पैर से मेरे सर को कुचलो, तब मेरे दिल को राहत मिलेगी। अल्लाह अकबर। क्या गुलामों का मर्तबा, क्या नौकरों का मर्तबा। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ये इस्लामी माहौल है, ये इस्लामी माहौल है जो हमें दर्ज देता है। इसी तरीके से एक और मसला है नौकरों के ताल्लुक से। मेरे भाई, इस्लाम माफी का मजहब है, इस्लाम शफकत और रहमत का मजहब है। सही अबू दाऊद की सही रिवायत है, रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कहते हैं, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, सवाल किया, या रसूल अल्लाह, बताइए मैं अपने गुलामों और नौकरों को कितनी दफा माफ करूं। एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती, पांच गलती, दस गलती, पचास गलती, कितनी दफा माफ करूं अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी खामोश है। फिर उसने दूसरी दफा सवाल किया, अल्लाह के नबी बताइए कितनी दफा माफ करूं नौकरों को? अल्लाह के नबी खामोश। तीसरी दफा उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, बताइए कि मैं अपने नौकरों और गुलामों को उनकी गलतियों पर कितनी दफा माफ करूं, दरगुजर करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आफू अनहु फी कुल्ली यौमिन सिबअतिन मर्रा, तुम एक दिन में अपने नौकरों को 70 दफा माफ करो। अल्लाह अकबर। क्या 70 दफा? एक दिन 24 घंटे का, नौकरी 8 घंटे की,
आठ घंटे की नौकरी में 70 गलतियों को माफ करने का दर्द देने वाला इस्लाम जाबिर हो सकता है? जुल्म करना सिखाता है? अल्लाह अकबर मेरे भाई, नहीं। इस्लाम की असल शक्ल जो है हम पेश करने से आज कासिर है मुआशरे के अंदर, कासिर है आज। आज हमारा रवैया, कई मुसलमान ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने सेठ बनाया, गैर मुसलमान बच्चे काम करते होंगे उनके पास, क्या अच्छा रवैया इख्तियार करके उनको इस्लाम की तालीम देना हमारा फर्ज नहीं? क्या ये हम पर फर्ज नहीं बनता कि हम अच्छा रवैया अच्छा सलूक करके उसे बताएं कि बेटे देखो मैं तुम्हारी ये जो गलतियां माफ कर रहा हूं, ये इस्लाम की तालीम है। एक मुसलमान यही होता है, लोगों की गलतियों को दरगुजर करता है। अल्लाह अकबर। क्या कहा मैंने? सारे नुक्ते, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई दोस्ताना नहीं, कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, कोई नौकर हो, दोस्ताना हो ना हो, हाँ रिश्तेदारी हो ना हो, खराबतदारी हो ना हो, इस्लाम ये रहमत और शफकत का मजहब है जो अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। आओ चौथा नुक्ता। अल्लाह अकबर, क्या ये रहमत के कहने, क्या ये इस्लाम के शफकत के कहने, क्या इसकी बुलंदियां, क्या इसके हुदूद, क्या इसके मामलात? अल्लाह अकबर, ये वो इस्लाम है मेरे भाई जिनको आज ये लोग बदनाम कर रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे कि मुसलमान हाकिम हो जाएगा, इस्लाम मुसलमानों के हुकूमत हाथों में हुकूमत आ जाएगी, ये हिंदुओं पर जुल्म करेगा। मेरे भाई ये गलतफहमी है, ये इस्लाम वो इस्लाम है जो इंसान तो इंसान जानवरों पर भी रहमत करने का हुक्म देता है, जानवरों पर भी शफकत करने का हुक्म देता है। क्या आपने वो हदीसें नहीं सुनी? आओ वो हदीसें सुनो। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला की रिवायत जो मुस्नद अहमद की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, अल्लाह के नबी एक दफा खजूर के बाग में दाखिल हुए, खजूर के बाग में दाखिल हुए, कुछ जरूरत ही फारिग हुए, अल्लाह के नबी ने क्या देखा, एक ऊंट रो रहा है। अल्लाह अकबर, बारीक आवाज में ऊंट रो रहा है। अल्लाह के नबी करीब गए, इसके बाद उसके मालिक को बुलाया, कहा इस ऊंट का मालिक, बुलाया गया, क्या तुम्हारा सलूक इसके साथ कैसा है, क्या अल्लाह का खौफ नहीं तुम्हारे अंदर, क्या अल्लाह से नहीं डरते, इसके साथ क्या सलूक करते हो? ये ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है कि खाना कम काम ज्यादा करते हो, अल्लाह से डरो तुम जानवरों के बारे में। अल्लाह अकबर, क्या ये इस्लाम जो जानवरों के हुकूक अदा करने के ऊपर हमें जो है ना उभारता है, जो हमें बताता है कि जानवर पर जुल्म नहीं, जितना खाना देते हो उतना काम, जितना काम लेते हो उतना खाना, जुल्म ना करो, एक ऊंट के आंसू बर्दाश्त नहीं इस्लाम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या एक इंसान पर जुल्म करना सिखा देगा एक इस्लाम? नहीं मेरे भाई। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मसूद की एक बड़ा मशहूर वाकया है, अबू दाऊद के अंदर नकल हुआ है, कहते हैं एक दफा हम सफर में थे, क्या देखा हमने कि एक चुड़िया का घोंसला, उसके दो बच्चे, हम में से किसी ने उसके दो बच्चे ले लिए, वो चुड़िया चहचहाने लगी, पुकारने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, कहा कौन है जो ये चुड़िया के दो बच्चों को लिया है, इसे तकलीफ ना दो, वापस करो, वापस करो इसके बच्चों को, इसको तकलीफ ना दो, इस पर रहम करो, इस पर रहम करो। अल्लाह अकबर। मामूली चुड़िया जनाब, मामूली चुड़िया जिसकी कदर और कीमत दुनिया के पास कुछ नहीं, लोग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मामूली से एक छोटे पंछी, छोटी से चुड़िया, छोटे से परिंदे के भी हक का ख्याल किया, क्या यह इस्लाम किसी पर जुल्म करना सिखा देगा? अल्लाह अकबर। आओ इसी तरीके से बड़ा अजीब और गरीब वाकया, हजरत अबू नईम अजबिहानी रहिमहुल्लाह जैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं, अद्दलाइलुन नबुव्वा एक किताब है, इसमें वाकया नकल हुआ है, कहते हैं ज़ैद बिन अरकम हम मदीने के एक मोहल्ले से गुजरे, मदीने के एक मोहल्ले से गुजरे, वहां हमने खैमा देखा एराबी का, एराबी का एक खैमा देखा, और खैमे में एक हरनी को बंदा देखा, हरनी को बंदा देखा, वो हरनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एराबी ने अभी मुझे शिकार करके लाया है, और मेरे दो बच्चे सहरा में छूट गए हैं, हाँ वो अभी अभी नौजायद बच्चे हैं, अभी पैदा हुए बच्चे हैं, वो छोटे हैं, उनका दूध मेरे थनों में भरा हुआ है, ये जो एराबी मुझे यहाँ पकड़ के लाया है वो मुझे जुबा करके आराम भी नहीं देता और मुझे छोड़ता भी नहीं कि मैं बच्चों को दूध पिलाऊं। अल्लाह अकबर, क्या शफीक इस्लाम है, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह शफकत वाले हैं। अल्लाह के नबी ने
वो हरनी से कहा, ए हरनी क्या अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो फिर वापस आ जाएगी दूध पिलाकर? अल्लाह अकबर। हरनी कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, अगर नहीं आऊंगी तो अल्लाह मुझे सख्त अजाब देगा। अल्लाह के नबी ने रस्सी खोली, वो हरनी गई, कुछ ही देर में अपनी जबान चाटते वापस आ गई। अल्लाह के नबी ने उसे बांधा, जैसे ही बांधा था एराबी आ गया। एराबी अपने साथ मशकीजा लेकर आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए एराबी तेरी है ये हरनी? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा क्या तू मुझे इसे बेच देगा? कहा कि या रसूल अल्लाह बेचने की बात आप ही के लिए तो है, तो फतन रख लीजिए, ले लीजिए, आप ही की हरनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हरनी की डोरी खोली और कहा हरनी तू आजाद है, जा। हजरते जैद बिन अरकम कहते हैं, अल्लाह की कसम वो हरनी जाते जाते ये अल्फाज कहते गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या शफीक इस्लाम है जनाब, क्या रहीम इस्लाम है ये, क्या मोहब्बत वाला इस्लाम है ये, क्या एहतराम वाला इस्लाम है कि मामूली मामूली जानवरों के हुकूक भी अदा करता है, मामूली मामूली जानवरों पर जो जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता है। क्या यह इस्लाम किसी इंसान पर जुल्म करना सिखाएगा? नहीं मेरे भाई, नहीं। गलत तसव्वुर दिया गया है, गलत तसव्वुर। और इसी तरीके से वो हदीस बड़ी मशहूर, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं सही बुखारी और मुस्लिम, क्या इस्लाम जालिम, क्या इस्लाम जुल्म करना सिखाता है? आओ वो वाकया भी सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, एक शख्स सफर कर रहा था, हलक प्यास से सूखा, कुएं में उतरा, पानी पिया, बाहर निकला, क्या देखता है कुत्ता अपने प्यास की वजह से जबान बाहर निकाले हांप रहा है, हांप रहा है। ख्याल आया जिस तरह से मुझे प्यास की शिद्दत सता रही थी उसे भी प्यास की शिद्दत, गया अपने मौजों में पानी लाया, पानी पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं एक कुत्ते के साथ, एक जानवर और कुत्ते के साथ अच्छा सलूक करने की वजह से अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उस शख्स के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। ऐसे ही हदीस और मिलती है, रावी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक बदकार औरत थी, बदकार औरत प्यास के लिए कुएं में गई, पानी पी, देखा कुत्ता प्यासा है, बदकार थी, बुरे काम करने वाली, लेकिन कुत्ते की प्यास पर तरस आया, हाँ अपना कपड़ा भिगाया, कुत्ते का हलक कच्चा किया, कुत्ते की प्यास बुझाई। अल्लाह के नबी ने कहा वो औरत के अच्छे सलूक की वजह से अल्लाह ने उसके गुनाहों को बख्श दिया है। अल्लाह अकबर। क्या वो इस्लाम जो एक कुत्ते के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें बख्श देता है? अल्लाह अकबर मेरे भाई, कैसे वो किसी पर जुल्म करना सिखाएगा? वो एक बिल्ली का वाकया भी बड़ा मशहूर है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत को एक बिल्ली ने जहन्नम में दाखिल कर दिया। कहा कैसे? कहा वो औरत ने एक बिल्ली को अपने घर में बांध कर रखा, ना खाने को देती ना पीने को देती, उसे वैसे ही तड़पा तड़प कर रखती। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से उसे जहन्नम रसीद कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुत्ता जानते हैं ना, किसी इंसान को आप चलते चलते कुत्ता कह दो बुरा लगेगा, गाली है, बुरा भला कहने की चीज, लेकिन वो जानवर के साथ भी उसने सलूक। अल्लाह अकबर। साहबा ने एक दफा क्या अर्ज किया जानते हैं? जब ये वाकया सुना साहबा ने कुत्ते का, कहा या रसूल अल्लाह क्या हमें जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी सवाब मिलता है? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, हर जानदार के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह सवाब अता करेगा। अल्लाह अकबर, हर जानदार के साथ। कैसे इस्लाम जालिम हो सकता है भाई, कैसे इस्लाम जाबिर हो सकता है? आओ इसी तरीके से मेरे भाई एक और मुद्दा आपके सामने रखने की कोशिश। अच्छा, फिर वो बात रिपीट कर रहा हूं, ये सारे मसले, ये सारे मुद्दे, सारे पॉइंट्स रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं, बिजनेस की बुनियाद पे नहीं, दोस्ती और मोहल्ले की बुनियाद पे नहीं, बस सब लोगों के साथ, कोई यतीम, कोई यतीम, कोई बेवा, कोई नौकर, कोई जानवर। अब आओ पांचवा नुकता, क्या? पड़ोसियों के साथ रहमत और शफकत का मामला इस्लाम के अंदर। अल्लाह अकबर मेरे भाई, आज मुस्लिम माशरे के अंदर ये चीज की सबसे ज्यादा कमी है, सबसे ज्यादा कमी है, याद रखना, सबसे ज्यादा। आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं, एक पड़ोसी का छोटा सा मामला दूसरे को बर्दाश्त नहीं। बाजू कंस्ट्रक्शन हो रहा, बड़े कीले चुपते रहते, बड़े कांटे चुपते रहते, बाहर कुछ मसला हो रहा पड़ोसी की, हाँ बड़ा मसला खड़ा कर देते छोटी छोटी चीजों के ऊपर। आओ ये हदीसें सुनो मेरे भाई, आज हम गैर मुस्लिम माशरे के अंदर, गैर मुस्लिम माशरे के अंदर रहते हैं, ये माशरे के अंदर इसकी प्रैक्टिकल सूरत पेश करने की जरूरत है,
प्रैक्टिकल सूरत पेश करने की जरूरत है। पड़ोसी, यह हदीस सुनो, हजरत एक अंसारी सहाबी कहते हैं, मुसनद अहमद की रिवायत, कहते हैं कि एक दफा मैं अल्लाह के नबी को मिलने के लिए, तलाश करने के लिए निकला, क्या देखता हूं अल्लाह के नबी एक शख्स के साथ खड़े हैं और मैं हूं ये गुफ्तगु है, बात करें। मैं समझ गया कि कोई जरूरी बात चल रही है, मैं बाजू बैठ गया, बैठा बैठा इंतजार करने लगा, अल्लाह के नबी गुफ्तगु चल रही है, अल्लाह के नबी भी खड़े हैं, वो शख्स भी खड़ा है, इतनी देर कि मैं महसूस करने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में दर्द हो रहा है, अब दर्द हो रहा है और मुझे तकलीफ होने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो रही है, अल्लाह के नबी की तकलीफ मुझे महसूस होने लगी, अल्लाह के नबी को तकलीफ हो रही है। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं समझा कि कुछ जरूरी बात चल रही है, मैं खामोश बैठा। बहुत देर के बाद जब वो शख्स चला गया, मैं उठकर अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा था ये शख्स आपको बहुत देर से खड़ा करके रखा है, आपके पैरों का दर्द मुझे बेचैन कर रहा था, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर से खड़े थे। अल्लाह के नबी ने कहा, जानते हो शख्स कौन था, जानते हो कौन ये शख्स, कहा नहीं जानता हूं कौन। अल्लाह के नबी ने कहा, ये जिब्राइल थे, जिब्राइल, अल्लाहु अकबर, जो मुझे पड़ोसियों के ताल्लुक से अच्छी वसीयत कर रहे थे इतनी देर से, और उनकी वसीयत सुनते सुनते मैं ये समझने लगा कि अब जिब्राइल ये भी कहने वाले हैं कि पड़ोसियों को तुम्हारी विरासत में से हक भी देना होगा। अल्लाहु अकबर, ये पड़ोसियों का हक है इस्लाम के अंदर, ये पड़ोसियों का। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुम उनको सलाम करते तो जिब्राइल तुम्हारे सलाम का जवाब भी दे देते। अल्लाह अकबर, इतनी देर और इतना लेवल बात करने का कि पड़ोसियों का मकाम, उनका हक ये कि इतने करीब के रिश्तेदारों को जो विरासत मिलता है तरके में, वो विरासत के हकदार भी बन जाते, इतना अहम मसला। पड़ोसी कौन, हिंदू पड़ोसी नहीं, मुसलमान कोई पड़ोसी हो तुम्हारा, किसी मजहब के मानने वाला पड़ोसी हो। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने पड़ोसी के तीन कैटेगरीज बताए, एक पड़ोसी के तीन हक, एक पड़ोसी के दो हक, एक पड़ोसी का एक हक। कहा कौन, कहा कि एक पड़ोसी वो जो तुम्हारा पड़ोसी भी हो, तुम्हारा मुस्लिम भाई भी हो, तुम्हारा रिश्तेदार भी हो, तीन हक। दूसरा पड़ोसी वो जो तुम्हारा पड़ोसी हो और मुसलमान भी हो, दो हक। तीसरा पड़ोसी वो जो गैर मुसलमान हो लेकिन पड़ोसी का तो हक है उस पर, तीसरा एक हक तो है उसके पर, पड़ोसी का हक। यह है मसला है भाई, ये इस्लाम शफीक शफकत का दीन है, यह शफकत का है मजहब है। इसी तरीके से एक और रिवायत आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यु मिनु, तुम में से कोई मोमिन नहीं, या वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी ने तीन दफा, अल्लाह के नबी कौन है जो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, मल्ला यमन जारुहु बिवाइकह, वो शख्स मोमिन नहीं है जिसके सताने से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। अल्लाह अकबर, जिसके हाथ, जिसके जबान, जिसके अमाल से उसका पड़ोसी महफूज नहीं, वो ईमान वाला नहीं है इस्लाम के अंदर। ये इस्लाम की तालीम है मेरे भाई। और इसी तरीके से हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला की रिवायत है मुस्नद अहमद की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिससे उसका पड़ोसी तकलीफ में है। अल्लाह अकबर, कौन सा पड़ोसी जनाब, कोई पड़ोसी, किसी मजहब का हो, किसी बरादरी का हो, किसी मोहल्ले का हो, आपका पड़ोसी है तो हक है कि उसको तकलीफ ना दे। इसी तरीके से मेरे भाई एक और रिवायत सही मुस्नद अहमद की है, कहते हैं साहबा दो औरतों के बारे में तस्करा किया गया अल्लाह के नबी के सामने, दो औरतें, कहा एक औरत ऐसी है जो सौम और सलात की पाबंद, हाँ सदका और खैरात करती है पाबंदी के साथ, लेकिन वो पड़ोसी को सताती है। अल्लाह के नबी ने कहा जहन्नम में जाएगी। अल्लाह अकबर, दूसरी औरत का तस्करा हुआ, अल्लाह के नबी जरा इबादत में कमजोर है, सौम और सलात में कमजोर है, सदका भी कम करती है पहली औरत के बनिस्बत, लेकिन पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती, कहा जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से एक और रिवायत हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, वो बंदा मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी भूखा हो और खुद वो पेट भरकर खा ले। अल्लाह अकबर, खुद पेट भरकर खा ले लेकिन उसका पड़ोसी भूखा, उसका कोई ख्याल नहीं, मोमिन ही नहीं है वो शख्स,
मोमिन ही नहीं है, ईमान वाला नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी की अहमियत बताते हुए कहा, मकदाद बिन अस्वद रजी अल्लाह तआला की मुसनद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से सवाल किया, बताओ जिना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कहा या रसूलुल्लाह जिना हराम, जिना हराम है या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने और आपने जिना को हराम किया है, यह हराम ही होगा कयामत तक, ए अल्लाह के नबी हराम समझते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, 10 मर्तबा जिना करने के बराबर गुनाह मरेगा, 10 मर्तबा गुनाह करने के बराबर, 10 मर्तबा जिना करने के बराबर उसको गुनाह मिलेगा जो 1 मर्तबा अपने पड़ोसी वाली के साथ जिना करे। अल्लाह अकबर। कहा चोरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कहा चोरी हराम है, कयामत तक अल्लाह उसके रसूल ने हराम कर दिए। कहा 10 चोरियों का गुनाह मिलेगा जो अपने पड़ोसी के घर में 1 मर्तबा चोरी कर ले, इतना बड़ा गुनाह है। पड़ोसी का यह हक है मेरे भाई, पड़ोसियों का हक है। ये 5 नुक्ते मैंने आपके सामने बयान किए, बहुत मोटे मोटे बयान करने लगूं तो दिन गुजर जाएं। कुरान का एक एक हर्फ, नबी की एक एक हदीस का एक एक लफ्ज, ये उम्मत की बेहतरी के लिए नाजिल हुआ है। ये कभी जुल्म की तालीम नहीं देता, ये कभी खतरों की रगारत गिरी की तालीम नहीं देता मेरे भाई, ये रहमत का मजहब है, ये शफकत का मजहब है। आओ आखिरी नुक्ते में, आखिरी नुक्ते में ये एक बात आपके सामने वाजे कर देना चाहता हूं, ये इस्लाम शफकत का, ये रहमत का मजहब है। ये हमारे हिंदू भाई जो लोगों की बातों में आकर इस्लाम को जाबिर, जुल्म करने वाला, हाँ लोगों पर जुल्म करने वाला मजहब समझ बैठे हैं, आओ हम तुम्हें ये बात बताना चाहते हैं। लोगों अल्लाह के नबी की बायोग्राफी पढ़ो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, मेरे हिंदू भाइयों तुम भी अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़ो। अल्लाह के नबी के जिंदगी के 13 साल, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के 13 साल मक्के में गुजरे, वो मक्के की सरजमीन पर ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए जिनको सुनने के बाद आंख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो किसी पर कभी रत्ती बराबर जुल्म नहीं करे, ना किसी पर कभी हाथ उठाया, ना कभी किसी पर जुल्म किया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो नबी बनाकर आए थे मक्के की सरजमीन पर, आप पर पत्थरों की बारिश की गई, आप पर कचरा डाला गया, वो अबू बकर सिद्दीक जिन पर लोग टूट पड़कर आपको लहूलहान कर दिए, वो उस्मान बिन अफान जिनको धुआं दिया गया उनकी नाक में, और वो मुसअब बिन उमर जिनको भूखा रखकर तड़पाया गया, और वो कौन, ज़ुबैर बिन अवाम जिनको झाड़ों पर उल्टा लटका दिया जाता था, वो अबू ज़र गफ़ारी जिन पर मक्के का मक्का टूट पड़कर उनको जख्मी कर दिया करता था, वो बिलाल जिनको पहाड़ों पर खींचा जाता, घसीटा जाता, उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती, वो कब्बाब बिन अर्द जिनको गरम गरम अंगारों पर लिटा दिया जाता, वो सुमैया जिनकी शर्मगाह में बर्ची मारकर उनको शहीद कर दिया गया। ये मक्का के 13 साल मेरे हिंदू भाइयों, ये मक्का के 13 साल जुल्म किया गया मुसलमानों पे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रहमत का, वो शफकत का मिसाल देते हुए, जब वही मक्का 7 साल के बाद फतह हो गया, मक्का में फतह होकर आ रहे हैं, ये सारे जुल्म की कहानी याद है, ये सारे जालिम मौजूद है, सब दिख रहे हैं, हजरत हमजा को शहीद करने वाले हैं, हजरत बिलाल को मारने वाले हैं, हजरत सुमैया को शहीद करने वाले हैं, सब है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की रहमत, इस्लाम की शफकत की मिसाल देते हुए कहा, लोगों इन्होंने जुल्म किया था, इस्लाम जुल्म करने का मजहब नहीं, इस्लाम दरगुजर करने का मजहब है, इस्लाम माफ करने का मजहब है, इस्लाम रहमत का मजहब है, इस्लाम शफकत का मजहब है। जाओ ये सारे जो जुल्म किए थे इन सबको माफ किया गया है। और हम भी कहते हैं आज हम यही मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। अल्लाह की कसम, ये हिंदुस्तान में अखलाक पर जुल्म हुआ, आतिफा पर जुल्म हुआ, और बहुत सारे जुल्म मुसलमानों पे राज हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। आने वाले वक्तों में अगर अल्लाह हमें ताकत देगा तो हम भी अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर चलकर तुम्हें माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। ये इस्लाम रहमत वाला, ये इस्लाम शफकत वाला, ये बड़े दिल वाला मजहब है जनाब, ये बड़े दिल वाला मजहब है, माफ कर देता है इस्लाम। मुसलमानों को तालीम दी गई, दरगुजर करो, मुसलमानों को बताया गया माफ करो इन्हें, कोई मसला नहीं। अल्लाह अकबर मेरे भाई, बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी, ये चीज लोगों के सामने पेश करने से खासिर है आज हम भाई, बातें बहुत हैं, बयानात लाखों पड़े हैं यूट्यूब पर, लाखों पड़े हैं, हर जबान में आपको ये वाकियात मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, हर जबान में तहरीरें मिल जाएंगी आपको, किताबें मिल जाएंगी, क्या नहीं मिलेगा, अमल करने वाला मुसलमान नहीं मिलेगा ये चीजों पर।
अमल करके बताएंगे। अल्लाह की कसम, आज जो मुसलमानों के खिलाफ बाजी जा रही है, ये चीजें लोगों के सामने आ जाएगी, बाजी पलट जाएगी इंशाअल्लाह, पलट जाएगी मेरे भाई। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है हमें, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज गैर मुसलमानों के सामने ये बातें बताने की जरूरत है कि इस्लाम ने कहा मन खतर नफ्सम बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ध फकअन्नम खतर अन्नास जमीअ। कैसे जुल्म की तालीम देता है इस्लाम, जो एक गैर एक मासूम की जान को कतल करना सारे इंसानों की जान कतल करने के बराबर बताता है। वो इस्लाम कैसे जुल्म कर सकता है, वो इस्लाम कैसे जुल्म कर सकता है जो एक कहता है तुम रास्ते से चलो, तकलीफ दे चीज दिखी हटा दो, वो इस्लाम कैसे तक जो है ना जुल्म की दावत दे सकता है। जो छोटे छोटे चूंटियों को मारने से भी रोकता है, वो इस्लाम कैसे जो है ना किसी को जुल्म की दावत दे सकता है। जो माँ बाप के साथ उसने सलूक की तालीम देता है, वो इस्लाम कैसे जुल्म की तालीम दे सकता है। जो इस्लाम बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ, हाँ अपने नौकरों के साथ, अपने जानवरों के साथ, हाँ अपने जो है ना पड़ोसियों के साथ अच्छाई का सलूक तालीम देता है। ये चीज समझाने की जरूरत है मेरे भाई, इसको समझो और इसको समझाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला हम तमाम लोगों के नेक अमल को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों और गलतियों को माफ़ फरमाए। अल्लाह इस्लाम की जो असली तस्वीर है, जो सही तस्वीर है, इसको हिंदुस्तान के गैर मुसलमानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। इल्लाह अलमीन, जब तक हमें जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।